वीडियो में बात करने जा रहे हैं NS200 के ऊपर, जो गाइस आप सभी की डिमांड है, आप सभी के प्यार की वजह से आज इस बाइक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं जा रहा हूँ। अगर आप इस बाइक को परचेज करने जा रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस बाइक में आपको सब कुछ पता हो। तो जैसे गाइस यहाँ पर मैं NS टेस्ट ड्राइव में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर 160 से आपको अच्छा पिकअप देखने को मिल जाएगा। कि अब करेंगे पहले फ्रंट साइड का ब्रेक, कैसा ब्रेक लगता है। फ्रंट ब्रेक अच्छी है। नेक्स्ट करते हैं रियर ब्रेक टेस्ट। वेलकम टू SK बाइक ब्लॉग, मैं हूं सौरभ। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं NS200 के ऊपर, जो गाइस आप सभी की डिमांड है, आप सभी के प्यार की वजह से आज इस बाइक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। एंड आपको बता दूं, ये NS200 है, वाइट कलर में मेरे सामने खड़ा है। एंड ये BS6 मॉडल है। और इस वीडियो में आपको NS200 के सभी स्पेक्स एंड फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस बाइक को परचेज करने जा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बाइक में आपको सब कुछ पता हो। और यहाँ पर आपको बता दूँ, इस बाइक का हम टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। टेस्ट ड्राइव के रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उसको पता चलेगा, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन। एंड इस बाइक का ब्रेकिंग टेस्ट भी करेंगे, पावर पिकअप भी टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू तक एंड देखना। एंड चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हमें चैनल में न्यू आएगा, इस फटाफट से 1K की फैमिली कर दो। आपसे भी कह रहा हूँ, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। लुक में आप देख सकते हो, जो बाइक आपको नेक्ड मिलती है एंड जो इसका हेड आपको एग्रेसिव देखने को मिलता है। एंड आपको जो डिज़ाइन मिलता है, डिज़ाइन आपको यहाँ पर स्पॉट्स देखने को मिलता है। एंड जो इसका ओवरलुक के बारे में बात करें, यहाँ पर हमारे पास वाइट कलर मिला है। और इसमें जो ग्राफिक्स दिए गए हैं, ग्राफिक्स भी यहाँ पर आपको अच्छे दिए गए हैं। वाइट आपको यहाँ पर अलॉय दिए गए हैं बाइक में। अगर आपको यहाँ पर बात करूँ तो टोटल लुक से ऊपर, तो यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया लुक से ऊपर। यहाँ पर जो आपको लुक दी गई है, बहुत अच्छी दी गई है। एंड उसके साथ बात करें, बाइक की साइड में आपको वाइट कलर का फेंडर देखने को मिलता है। एंड साइड में आपको टैंक में मिलता है आपको 200 का स्टिकर, और ब्लैक कलर में आपको कुछ अदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये जो बाइक खड़ी है हमारे पास टॉप मॉडल खड़ा है पल्सर NS200 का, और ये ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। और ड्यूल चैनल ABS होने का आपको पता है, यहाँ पर फ़ायदा बहुत होता है। और ABS आपके यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा कर देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंजन के ऊपर। यहाँ पर आपको BS6 इंजन देखने को मिलता है, 199 cc का इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पर इंजन में आपको 4-स्ट्रोक और सिंगल सिलेंडर देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो मैक्स पावर है यहाँ पर आपको 24 PS, जो कि आपको 9700 RPM में देखने को मिलता है। और इसका मैक्स टॉर्क आपको 18.6 Nm, जो कि आपको 8000 RPM में देखने को मिलता है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको टॉर्क देखने को मिलता है। एंड इसका जो इग्निशन सिस्टम, इसमें आपको DC देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको FI सिस्टम, यहाँ पर आपको Bosch का देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 जो आपको नोज देखने को मिलते हैं, जिसको आप बोलते हो स्पार्क प्लग। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलता है, जो कि आपके इंजन को जल्दी कूल डाउन होने में हेल्प करता है। अगर मैं इस बाइक की टोटल लेंथ की बात करूँ, टोटल लेंथ आपको यहाँ पर मिलती है 2017 mm की देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको टोटल ब्रेथ देखने को मिलती है 804 mm। एंड यहाँ पर आपको टोटल हाइट देखने को मिलती है 1075 mm। अगर इसके साथ बात करें कि यहाँ इसके ऊपर आप बैठ के आराम से चला पाओगे नहीं, यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर इंडिया का एवरेज जो हाइट होती है 5.4 से अबव होती है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आप इस बाइक के ऊपर बैठ के आराम से राइड कर पाओगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आपके नियर भी शोरूम पे जाके आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके खुद से चेकअप करके देख सकते हो कि इस बाइक में आप बैठने के बाद कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एंड गाइस, इसमें आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको 168 mm देखने को मिलती है। अच्छी खासी यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है। आराम से इसके ऊपर ऑफ रोड भी कर सकते हो। अब जो फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको जो हेडलाइट देखने मिलती है, आपको यहाँ पर हैलोजन लाइट देखने को मिलती है। उसके साथ आपको साइड इंडिकेटर भी हैलोजन देखने को मिलती है। हेडलाइट नीचे जो पार्किंग लाइट से आपको वो भी हैलोजन लाइट देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आपको नंबर प्लेट वो एसेसरी वो भी देखने को मिल जाती है। उसके साथ नीचे आपको जो आपको टायर बम्पर देखने को मिलता है, वो आपको ब्लैक कलर में मैट में देखने को मिलता है, जो कि हाथ लगाने में पूरा सेटिस्फाई है। एंड यहाँ पर आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है, और वाइट कलर का अलॉय देखने को मिल जाता है इसके ऊपर। एंड वाइट कलर का अलॉय आपको बहुत प्यारा देखने को मिलता है डिज़ाइन। अगर आपको यहाँ पर फ्रंट साइज़ का आपको टायर बताऊँ, टायर आपको 100x80 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो डिस्क देखने को मिलती है, डिस्क आपको यहाँ पर ABS 300 mm की देखने को मिल जाती है।
नेक्स्ट गाइज यहाँ पर बात करें इस गाड़ी का टैंक, यहाँ पर आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको रिजर्व देखने को नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान रखना को NS 200 में आपको जो टैंक में रिजर्व देखने को नहीं मिलता। अब जो बात करते हैं इस गाड़ी के मीटर के ऊपर, यहाँ पर आपको मीटर डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है और नॉर्मल एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आप साइड में देख पा रहे होगे राइट साइड में आपको किलोमीटर का वो भी डिजिटल देखने को मिल जाता है, कितना रन कर रहा है आपका बाइक, और आपको ऊपर टाइमिंग देखने को मिलता है। और उसके नीचे आपको ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, और आपको सेंटर में RPM मीटर देखने को मिलता है, RPM लिमिट भी देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर आपको RPM लिमिट लाइट भी देखने को मिल जाती है। उसके साइड ही आपको यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह वो भी आपको LED देखने को मिल जाती है मीटर में, बैटरी इंडिकेशन, फ्यूल इंडिकेशन, सर्विस इंडिकेशन, वो आपको सब कुछ वो आपको LED देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैं जो मीटर एक्सपेक्ट कर रहा वो अच्छा लग रहा था, बट कोई बात नहीं, बट इसमें आपको क्विल स्विच भी देखने को मिल जाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको ओनली सेल्फ देखने को मिलता है, किक इसमें नहीं आती, जिसका ध्यान रखना NS 200 में आपको सिर्फ सेल्फ मिलता है, किक इसमें नहीं आती। उसके साथ यहाँ पर आपको हैंडल में अदर स्विच दिखा दूँ, आपको यहाँ पर इंडिकेटर स्विच भी देखने को मिलता है, हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। एक बार इसका हॉर्न भी सुन के देखते हैं कैसा है। ओके, यहाँ पर आपको नॉर्मल सा हॉर्न देखने को मिलता है, बट यहाँ पर सिटी के लिए यहाँ पर आपको अच्छा ही मिलता है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको हैंडल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर पीछे की साइड बात करें तो पीछे की साइड आपको बहुत अच्छा है यहाँ पर मिल जाता है। कंफर्टेबल की बात करें यहाँ पर अच्छा खासा आपको कंफर्टेबल मिल जाएगा। एंड उसके साथ जो बात करें सीट का, सीट अच्छा दिएगा, सेम सीट आई थिंक, सो सीट इसकी सेम है जैसे NS 160 की है, सेम सीट आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। बताऊँ तो मैंने NS जो 160 करता हूँ मैं राइट, तो मुझे कंफर्टेबल पूरा फील होता है, जिसमें आपको पूरा अच्छा खासा कंफर्टेबल देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर बैक साइड की बात करें, बैक साइड में आपको पूरा डिज़ाइन आपको NS 160 की तरह देखने को मिलता है, LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर हैलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि बैक साइड में आपको फुटरेस्ट वो देखने को नहीं मिलती। इसमें आपको फुटरेस्ट क्यों नहीं मिली, क्योंकि 200cc है, पावर ज़्यादा होने की वजह से सेफ्टी देखते हुए यहाँ पर फुटरेस्ट वो नहीं दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर गाड़ी के रियर टायर की बात करें, रियर टायर में आपको 17 इंच का अलॉय देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको डिस्क देखने को मिलती है विद ABS। यहाँ पर आपको जो टायर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको रियर टायर 130x17 इंच का देखने को मिलता है, और यहाँ पर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको चौड़ा टायर वो देखने को मिल जाता है। बट ऑफ रोड जब करने जाओगे तब यहाँ पर आपको टायर है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टायर नॉर्मल सिटी के लिए अच्छे हैं, बट ऑफ रोड के लिए टायर आपको दूसरे डालने पड़ेंगे। एंड रेयर की साइड आपको डिस्क देखने को मिलती है विद ABS। इसका जो रेयर डिस्क साइज है वो 230mm है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको रेयर डिस्क का देखने को मिलता है विद ABS। एंड इसका आपको बता दूँ एक और अच्छी बात, इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग देखने को मिलती है, कंबाइंड ब्रेकिंग में इसमें आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी में आपको कौन सा सस्पेंशन देखने को मिलता है रेयर में। रेयर में आपको सस्पेंशन नाइट्रॉक्स रेयर स्टॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलता है। ये जो सस्पेंशन है फाइन टाइम एडजस्टेबल सस्पेंशन है, आराम से आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन में इस सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको बाइक में ओवरऑल सब कुछ बता दिया है, फटाफट से इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं कैसा इसका साउंड है। प्रीटी डिसेंट अजोनोस इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट देखने को मिल जाएगा साउंड इसका NS 160 से। एंड अब जो गाइस इस बाइक का ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एंड एक चीज़ और बताने के बाद चलते हैं फटाफट इसकी टेस्ट ड्राइव की तरफ। एंड गाइस टेस्ट ड्राइव करने के बाद इसका बाइक का आपको शोरूम प्राइस बताऊंगा, और टेस्ट ड्राइव जाने से पहले आपको यहाँ पर बाइक का वेट बता दूँ। गाड़ी का जो वेट है 159 kg है, और इसमें आप जो क्रॉस वेट कर पाओगे वो 310 kg कर पाओगे। तो जैसे गाइस अब यहाँ पर मैं NS बेस्ट ड्राइव में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं चला रहा हूँ अराउंड 20-30 की स्पीड में चला रहा हूँ, और उसके अराउंड मुझे यहाँ पर जो कंफर्टेबल मिल रहा है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड जो पिकअप की बात करें यहाँ पर 160 से आपको अच्छा पिकअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो 6 बॉक्स ट्रांसमिशन गियर है वो यहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू 160, तो अच्छी बात है। एंड इसका यहाँ पर आप हैंडल की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा हैंडल का अराउंड वेट मिल जाता है। ओके गुड, अच्छा पिकअप है, अच्छा टोटल है।
ज़्यादा नहीं खींचूँगा, तुम बाइक नया है तो नया बाइक को ज़्यादा खींचना अच्छा नहीं रहता। एग्जॉस्ट की बात करें, एग्जॉस्ट मोड आपको यहाँ पर यार बढ़िया मिल जाता है, बट 160 से आपको एग्जॉस्ट मोड है वो डिफरेंट देखने को मिल जाता है 200 cc में। तो यहाँ पर आके टर्न लेते हैं, टर्न लेने के बाद हमको पता लग जाएगा अराउंड इसका कितना आपको मिल जाएगा। ब्रेकिंग बढ़िया है, टर्निंग में बात करें टर्निंग में हमको यहाँ पर कंफर्टेबल ही मिल जाता है टर्निंग ज़्यादा। तो अब करेंगे पहले फ्रंट साइड का ब्रेक, कैसा ब्रेक लगता है। ओके, प्रीटी डिसेंट, फ्रंट ब्रेक अच्छी है। नेक्स्ट करते हैं रियर ब्रेक टेस्ट। फ्रंट ब्रेक भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, रियर ब्रेक भी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, नॉट बैड। एबीएस आपको अब टॉप मॉडल है तो ड्यूल चैनल में जो आपको ब्रेक्स मिलती है आपको एबीएस मिलती है, अच्छी बात है क्योंकि आपको एबीएस में मिलता है, अच्छी बात है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, इससे आपकी जो सेफ्टी है वो भी अच्छी हो जाती है। इसमें एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, जो इसका 6 गियरबॉक्स ट्रांसमिशन है वो आपको बढ़िया से मिलता है करना, बट इसमें जब 6 गियर में चला रहे होगे तब आपको कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैंने गियर शिफ्ट करना है, यहाँ पर 6 गियर में आपको अच्छा गियर अलाइनमेंट अच्छा देखने को मिलता है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको एक और गियर चाहिए। बट मुझे 160 में फील होता है कि मेरे को गियर एक और चाहिए, उसमें 6 गियर होने चाहिए थे, बट आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है गियर अलाइनमेंट। अब जो गाड़ी का हमने टेस्ट ड्राइव कर लिया और आपको यहाँ पर टेस्ट ड्राइव का रिव्यू हमने यहाँ पर बता दिया है जो रख दिया, अब जो बात करते हैं इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस का, शोरूम प्राइस कितना ध्यान रखना है यहाँ पर, उसे मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस बताऊँगा। ऑन रोड प्राइस आप यहाँ से खुद से पता कर सकते हो। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपये है, एंड जो आप चाहते हो कि इसका ऑन रोड प्राइस, तो सारी शोरूम की डिटेल मेरी वीडियो के नीचे दे रखी है, कॉल करके आप खुद भी पर्सनली पूछ सकते हो, एंड आपका कोई भी क्वेरी है तो यहाँ का स्टाफ को यहाँ से पूरा प्रॉपरली कॉपरेट करेगा। अब जो अब गाड़ी की एक चीज़ रहेगी वो है माइलेज। इस गाड़ी में आपको जो माइलेज मिलती है 200 cc में वो आपको 30-35 किलोमीटर मिल जाती है पर लीटर, जो कंपनी क्लेम करती है, बट डिपेंड करता है राइडर के ऊपर, राइडर को कैसा चला रहा है। आई होप यू गाइस आपको आज की वीडियो, वो वीडियो अच्छी लगी नहीं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस फटाफट से हमारे 1K करवा दो, आप सभी का ही प्यार है। एंड गाइस ऐसी और बाइक्स का रिव्यू देखने के लिए मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, कोई भी कंपनी के बाइक को कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए वो वीडियो जल्दी जल्दी रेडी कर देगा। एंड गाइस मिलता हूं आपको ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो पे, तब के लिए गुड बाय।